बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। और पते की बात ये है कि ये कार्ड बहुत ही पॉपुलर है, प्लस लोड्स ऑफ बेनिफिट्स के साथ आता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इनके फीचर्स की बात करें तो ये आपको 5% तक का कैश बैक देते हैं थ्रू फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा, एंड यहाँ कोई भी अपर लिमिट नहीं है। और इनके पार्टनर ब्रांड्स पर शॉपिंग करने से 4% तक का कैश बैक मिलता है, और इन सब के अलावा कहीं और से शॉपिंग करने पर आपको 1% तक का कैश बैक मिल जाता है। नोट करना है कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, जैसे फ्यूल, गिफ्ट कार्ड, EMI प्रोडक्ट्स, फ्लिपकार्ट वॉलेट्स हो गए, ज्वेलरी, फीस एंड पेमेंट्स, इन सब पर आपको कोई भी कैश बैक नहीं मिलेंगे। अब अगले फीचर की बात करें तो वेलकम बेनिफिट्स के तौर पर आपको 1100 रुपए मिलते हैं, लेकिन ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, दैट इज 500 रुपीज ऑन फ्लिपकार्ट, 500 मिंत्रा पर और 100 रुपीज स्विगी पर। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। तो जब आप फ्लिपकार्ट पर इस क्रेडिट कार्ड से अपनी पहली ट्रांजैक्शन 30 दिन के अंदर कर दोगे तो आपको 500 रुपए का वाउचर मिलेगा, कैश नहीं, और ये वाउचर जो है वो 12 महीनों के अंदर आपको यूज करना होगा। वही मिंत्रा पर पहली परचेज करने पर यू कैन गेट 15% कैश बैक अप टू ₹500। बट इफ आप किसी डिस्काउंटेड प्रोडक्ट पर इस ऑफर को अवेल करने की कोशिश करेंगे तो आप डिस्काउंटेड प्राइस चूज कर सकते हैं या फिर ये ऑफर। एंड टॉकिंग अबाउट स्विगी, तो एक्सिस एफ के न्यू कोड को डालकर आप डायरेक्ट 100 रुपीज तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अब इसके अलावा 4 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस भी आपको मिल जाता है, प्लस 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर, जो कि आपको अप टू 400 रुपीज पर मंथ मिल सकते हैं। मिनिमम आपको 400 रुपए खर्च करने होंगे पर ट्रांजैक्शन। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी एज 18 to 70 years के बीच की होनी चाहिए। फी की बात करें और रिन्यूअल फी की बात करें तो 500 रुपीज प्लस टैक्सेस है। तो मैंने आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन फटाफट बता दी।